वंस अगेन वेलकम टू वीके यादव मैथ्स। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं एडिटोरिया का सेट नंबर 4, बिना वक्त गवाए हुए। तो सेट नंबर 4 का क्वेश्चन 76 से स्टार्ट होता है। इसमें पहला क्वेश्चन है, x प्लस 540 प्लस 230 का 10% बराबर 4320 का 20%। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। जो भी तैयारी करने वाले साक्षर बालक होंगे, है ना, वो इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, है ना। फिलहाल में मैं बताता हूँ आपको। देखिए, अगर 230 का 10% निकालेंगे तो 1/10 निकलेगा, तो ये 23 हो जाएगा। दिस वैल्यू बिलोंग्स टू 23, है ना। इसका 20% निकालेंगे तो इंटू 20/100 करेंगे, तो सिंपली 20/100 में 200 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से गुना होगा। तो फाइनली आप देखेंगे कि x की जो वैल्यू आने वाली है, एक लाइन में ही लिखेंगे, है ना, x की जो वैल्यू आने वाली है इधर 2 से गुना होगा, तो 423 में 2 से गुना किया जाए तो 846, है ना। 540 उधर घटेगा और फिर आपका माइनस होगा 230 का कितना, 10%। ये पूरा प्लस का टर्म है तो पूरा 23 माइनस हो जाएगा। और इस वैल्यू को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए, इन दोनों में घटाएं तो 306 हो जाएगा। 800 माइनस 500 300, अच्छा 46 माइनस 40 6, तो 306 में से केवल आपको 23 घटाना है, तो सस्ते में आपको मिल जाएगा, है ना, 283। सस्ता में कौन सा हो गया आंसर, 283। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, है ना। आप इसी तरीके से एग्जाम में अप्रोच करेंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 77, स्थिर जल में एक नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि एक नाव एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में और वापस आने में 10 घंटा लेती है तो दूरी ज्ञात करें। देखिए, दूरी ज्ञात करने का बहुत सारा तरीका है, ना। फार्मूला से भी आप बना सकते हैं और बिना फार्मूला के भी बना सकते हैं, ना। तो बिना फार्मूला के भी बात कर लेते हैं बालक। देखिए, 10 किलोमीटर प्रति घंटा खुद नाव का चाल है, स्थिर जल में नाव की चाल का मतलब क्या, खुद का चाल। और 2 किलोमीटर अगर धारा सपोर्ट करता है, मतलब हम लोग ले रहे हैं धारा की दिशा में नाव की चाल, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। और फाइनली मान लेते हैं कि धारा की दिशा में 12 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है नाव, तो विपरीत आएगा तो धारा अपोज करेगा, तो 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग को टोटल टाइम दिया है आने और जाने में, धारा की दिशा में जाएगा कहीं पे तो आएगा तो अपोजिट में आएगा, तो हम अपने मन से एक डिस्टेंस मान लेते हैं बालक, और वो डिस्टेंस मान लेते हैं 12 और 8 का एलसीएम कितना, 24 24 यूनिट या 24 एक्स मान लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डिस्टेंस आपने कितना मान लिया, 24 एक्स। इस दूरी को अगर इस चाल से चला जाए तो 2x घंटा लगेगा, अगर इस चाल से आया जाए तो 8 + 24 3x घंटा लगेगा, है ना। इन दोनों का योगफल दे रहा है क्वेश्चन में 10 घंटा। कितना दे रहा है बाबू, आने जाने में 10 घंटा लगता है। तो हम बोलेंगे गुरुजी 5x की वैल्यू 10 है तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। x की वैल्यू कितना हो जाएगी, 2, 3 × 2 = 5x, 5 × 2 = 10, x बराबर 2। आपने डिस्टेंस माना है कितना, 24x, तो 24 × 2 बराबर कितना होगा बाबू, 48। तो 48 किलोमीटर आप देख के मेंटली भी बना सकते थे इस मेथड से, है ना। बाकी आप तरीका ये भी है, है ना, कि माना कि दूरी बराबर d और जाने का चाल है 12, है ना, आने का चाल है कितना, 10, बराबर कितना घंटा, 10 घंटा। इसको भी अगर आप सॉल्व करते हैं तो d बराबर 48 ही आएगा। तो एज यू विश, जैसे आपने पढ़ाई किया है ना, वैसे ही आप बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखेंगे ध्यान से, है ना। दो क्वेश्चन हो गया बाबू बिना वक्त गवाए हुए, जल्दी जल्दी में आपको मैं सॉल्यूशन करवाने की कोशिश करता हूँ। इसके बदले सिर्फ आपसे यही मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, है ना, जिससे और भी बच्चे को फ़ायदा हो। क्योंकि सेट जब भी मार रहे होंगे, है ना, तो बिहार में फेमस है ज़्यादा प्लेटफॉर्म का, एडिटोरिया का, तो उसी को रेफरेंस लेके मैं करवा रहा हूँ, है ना। जहाँ पे सेट में गलती होता है, सॉल्यूशन चेंज होने की गुंजाइश होती है ना, ऐसे मैं 99% क्वेश्चन में सॉल्यूशन चेंज करके ही बताता हूँ, जो आपके लिए कंफर्टेबल पोजीशन हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। संदीप किसी वस्तु को 1500 रुपये में बेचता है, ठीक है, और उस पर 20% का लाभ कमाया। कितना का लाभ कमाया, 20% का, ठीक है। यदि वह अंकित मूल्य पर 15% की छूट दे, है ना, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए, अगेन अगर आप सेट में देखेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो आपको लगेगा कि थोड़ा टफ है, है ना, हार्स है। इसमें लॉजिक यही बाबू कि 20% जो लाभ कमा रहे थे आप, है ना, वो 15% छूट देने के कारण आपका लाभ में कमी होगा कि नहीं होगा।
तो ये दोनों भी सक्सेसिव में जाएगा, किस में जाएगा, सक्सेसिव में जाएगा। तो अब 20% लाभ कमा रहे हैं और उसमें से 15% छूट दे रहे हैं, तो 15 कमी है ना, -20 × 15/100, 20 × 15/100 सक्सेसिव ही लगाए, जहाँ बढ़ेगा जहाँ प्लस, जहाँ घटेगा माइनस। और फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई वाई 100, 20 में से 15 जाएगा तो 5 माइनस है ना, 20 × 5 = 100, 5 × 3 = 15, तो 5 − 3 = कितना हो जाएगा, +2, मतलब 2% का लाभ होगा। 2% का क्या होगा बाबू, लाभ। सोल्यूशन देखेंगे तो माथा चक्रा जाएगा, क्या क्या कर दिया है ना। अगला क्वेश्चन 79 देखेंगे, तब तक इसको स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकते हैं, है ना। 79 अगर आप देखेंगे बालक, 79 को तो बोला गया दो संख्याओं का हरात्मक मान है ना, बहुत लोग के लिए डरावना हो जाएगा, हरात्मक मान ठीक है, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य था गुणोत्तर माध्य, क्रमशः 10 और 12 है, 10 और क्या है बाबू, 12 है, ठीक है, ठीक है। तो उनका समांतर माध्य क्या होगा है ना, तो देखो पहले थोड़ा सा समझाते हैं जिन बच्चों को नहीं पता होगा। देखिए एक टर्म होता है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको बोला जाता है समांतर माध्य, ठीक है, ठीक है। एक होता है बाबू जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको बोलते हैं गुणोत्तर माध्य है ना, जीएम, सॉरी मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर देता हूँ बालक है ना, प्रोग्रेशन मतलब हो जाएगा बालक श्रेणी है ना, मैं जो बात बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। एएम अरिथमेटिक मीन समांतर माध्य, जीएम ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य, और एक होता है एचएम हार्मोनिक मीन है ना, जिसको हरात्मक मान बोलते हैं। अब इन तीनों में एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है तो समझिएगा, बीच में क्या है जीएम, क्या है जीएम, तो जीएम का स्क्वायर, जीएम का क्या हो जाएगा बाबू, स्क्वायर बराबर HM × AM, HM × क्या AM, मतलब आप पहले से ही जानते हैं AP और GP जानते हैं, P के जगह मीन आ गया है ना, तो AM GM हो गया, तो AM GM का जो मल्टीप्लाई है अगर करेंगे है ना, सॉरी AM और HM का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो बीच वाला जो GM है उसकी वैल्यू आएगी स्क्वायर फॉर्म में। तो अब वैल्यू रख देते हैं वाला, यही है आप देखेंगे क्वेश्चन में, तो हरात्मक मान दिया गया था, मतलब हार्मोनिक मीन दिया गया है ना, तो हार्मोनिक मीन है आपका कितना बाबू, 10, तो यहाँ पर रख दिया क्या 10। आपको निकालना है क्या समांतर माध्य, मतलब एम आपको निकालना है एक्स, और ये वैल्यू जो है 12 है बाबू, जीएम कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपने पढ़ा होगा गुरु जी 144 होता, तो 144 को अगर 10 से भाग दे दिया जाए तो एक्स बराबर हो जाएगा कितना, 14.4, 14.4 इज द करेक्ट आंसर फॉर सी। आई होप ये समझ में आया होगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए है ना, आपको बहुत मज़ा आया होगा, याद हो गया होगा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बालक, और मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको है ना। क्वेश्चन नंबर 80 आपके स्क्रीन के ऊपर है ना, चलिए 80 को तब तक पढ़ेंगे, तब तक मैं साफ कर लेता हूँ। चलिए क्या है, कह रहे राहुल को 1800 रुपये में एक बकरी, 1800 रुपया में एक बकरी को बेचने पर क्रैमूल के एक दहाई बराबर हानि होती है। एक दहाई मतलब जितना भी क्रैमूल होगा बालक उसका एक भाग क्या होगा, हानि होगा, ठीक है। तो उस बकरी का क्रैमूल ज्ञात करें, और ये जो 1800 रुपया जो आपको दिया गया है बालक, ये सेलिंग प्राइस है, बेचा गया है ना। तो बाबू अगर CP अगर 10 मान लिया जाए, क्योंकि एक दहाई की बात बोला गया और क्रैमूल का एक दहाई हानि हुआ, यानी कि लॉस एक होगा, एक दहाई 1/10, तो आप बोलेंगे गुरु जी जो सेलिंग प्राइस जो होगा है ना, क्रैमूल में जितना घटा हुआ उसको काटने के बाद ही सेलिंग प्राइस आएगा, या क्रैमूल माइनस हानि बराबर विक्रैमूल होगा, ये 9 होगा। और ये इनको रेशियो में अगर ऑब्जर्व करते हुए देखा जाए बालक, तो ये 1800 दे रहा है, विक्रैमूल कितना दे रहा है 1800, मतलब इसका 200 गुना है, कितना गुना है बाबू 200 गुना, तो क्रैमूल कितना हो जाएगा, ये भी 200 गुना होगा क्योंकि ये रेशियो है, तो कितना हो जाएगा बाबू 2000, कितना हो जाएगा 2000, तो 2000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है, इनफ टाइम है आपके लिए है ना।
और वीडियो को रोककर भी आप देख सकते हैं। लिखा गया रमेश ने कपड़ों के व्यापार में है ना 500 ना है एक पे यानी कि 1,00,000 रुपया निवेश किया। ठीक है, कुछ महीने बाद सुरेश 40,000 रुपये के साथ उसके व्यापार में जुड़ता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, जुड़िए, क्या दिक्कत। वर्ष के अंत में उनके बीच कुल लाभ 3:1 में है ना, 3:1 में बांटा गया। तब कितने महीने बाद सुरेश व्यापार से जुड़ा। ठीक है, अब देखिए बालक, ऐसा है कि इस चैप्टर में ये जो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, एक ही फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम, लाभ बराबर निवेश इनटू समय, एक ही फॉर्मूला होता है ना। कहीं भी आप पढ़िए, इंडिया में या ऑस्ट्रेलिया में या कहीं भी व्यापार कीजिए, गांव में या शहर में, फॉर्मेट एक ही काम करता है, प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इनटू टाइम, लाभ बराबर निवेश इनटू निवेश किया गया समय। तो अगर बात करें तो रमेश और दूसरा जो आदमी है सुरेश, तो इतना पैसा का कोई काम नहीं बालक, हम लोग को रेशियो में ही काम करना होगा। अगर इसको आप काटें तो 20 × 5 = 1,00,000, 20 × 2 = 40, यानी 5:2 में तोड़ दिए। हम यहीं पर लिख दिए कि 5:1 में निवेश किया रमेश और 2:1 में निवेश किया सुरेश, है ना, सुरेश ही है ना। हाँ अच्छा जी, बिजनेस में रमेश है जो शुरू से है, मतलब पूरा 1 साल बिजनेस करेगा, तो वो 12 महीना टाइम लेगा। कितना महीना टाइम लेगा? 12 महीना। लेकिन हमको सुरेश के बारे में टाइम पता नहीं है, कुछ महीने बाद आया है, तो मान लेते हैं बिजनेस एक्स महीना के लिए किया। वो कितने दिन के लिए बिजनेस किया? एक्स महीने के लिए किया, एक्स महीने बाद नहीं आया, एक्स महीना बिजनेस किया टोटल। तो कैपिटल इनटू टाइम, कैपिटल इनटू टाइम दो लोग का है ना, और दोनों का प्रॉफिट का रेशियो कितना है बाबू? तो आप देखेंगे दिया गया 3:1, 3y कितना? 1। बड़ा आराम से प्यार से काटेंगे, 3 × 4 = 12, 2 × 2 = 4। तो x की वैल्यू यहाँ से देखेंगे बाबू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे, 5 × 2 = 10 महीना, 10 महीना ऑप्शन में होना चाहिए, लेकिन ये आंसर नहीं होता, अगर होता भी तो है ना, एग्जामिनर धोखा देने के लिए 10 मंथ भी देता है, लेकिन ये 10 मंथ नहीं होगा। आंसर शुड बी, आपसे पूछा गया है कि कितने महीने बाद बिजनेस में आया, ये 10 महीना वो बिजनेस किया है ना, यानी कि 12 महीना का टोटल बिजनेस है, उसमें 10 महीना बिजनेस किया है, इसका मतलब शुरुआत में वो 2 महीना गायब रहा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बालक? 12 मंथ - 10 मंथ बराबर कितना? 2 महीना बाद, शुरुआती से 2 महीना गायब रहा है, यानी कि 2 महीना बाद आया है ना, तो 2 मंथ इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट वगैरह लेते हुए आगे चलते हैं बाबू, है ना, इसी तरीके से आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है ना, ज़्यादा 1,00,000 - 2,00,000 ये सब के चक्कर में नहीं रहना, रेशियो से काम हो जाएगा फटाफट। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन और देखते हैं, है ना। 20 संख्याओं का औसत 15 है बाबू, यदि प्रत्येक संख्या को 5 से गुना कर दे तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए, जब भी मतलब संख्याओं का औसत दिया जाएगा और प्रत्येक संख्या में आप जोड़ें, घटाओं, गुना करें, भागा करें, कोई भी ऑपरेशन करें, है ना, तो रिजल्ट उसके औसत में वही होगा जो प्रत्येक संख्या में आप गुना कर रहे, आप प्रत्येक संख्या में कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं बालक? 5 से क्या कर रहे हैं आप? गुना कर रहे हैं, तो औसत है कितना? 15, है ना, और 20 संख्या में 5-5 से गुना किया जाएगा, तो औसत में भी 5 से गुना होगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? 15 × 5 = 75, 15 × 5 = क्या हो जाएगा बाबू? 75 हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं बालक, है ना, और आप ध्यान से देख ले फटाफट चलेंगे, है ना। कर 45 संख्याओं का औसत ज्ञात करने पे 25 प्राप्त हो, बहुत बढ़िया है, 25 प्राप्त हुआ 45 संख्याओं का औसत, बहुत सुंदर 25। फिर बाद में ज्ञात हुआ कि 25 के स्थान पर त्रुटि से 52 लिख दिया गया था, 25 के स्थान पे गलती से आपने कितना लिख दिया है? 52, यानी कि आपने एक्स्ट्रा 27 लिख दिया है कि नहीं? ये जो संख्याओं का औसत निकाला है, इवैल्यूएट किया है ना 45 संख्याओं का, तो आप 25 जो औसत लाए हैं वो औसत कैसे हुआ है? उसमें त्रुटिपूर्ण है, 27 एक्स्ट्रा लेके आप चले, है ना, यही कहने का मतलब हुआ ना, ये पूरा भाषा का मतलब। तो सही औसत क्या है? तो भाई साहब, अगर आपने 27 एक्स्ट्रा लिया है, 27 क्या लिया है? एक्स्ट्रा, एक ही स्थान चेंज हुआ, एक ही अंक चेंज हुआ, मतलब एक संख्या चेंज हुआ, लेकिन एक संख्या को चेंज होने से 27 चेंज हो रहा, 25 के बदले आपने 52 काउंट कर लिया था, तो वो 27 को एडजस्ट करना होगा कि नहीं? हाँ, हम बोलेंगे सर 27 ज़्यादा लिया गया था, तो 27 हमको कम करना होगा, लेकिन औसत में कम करने की बात यह है, तो प्रत्येक संख्या पे हम लोगों को कितना कम करना होगा? प्रत्येक संख्या पे कम करना होगा, और 27 टोटल है, तो 45 संख्या पे कम करना होगा, तो कितना हो जाएगा बाबू? 27 / 45।
बस यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। लेकिन बहुत लोग डिटेल में ही बनाते हैं, है ना, डिटेल की जरूरत रहेगी तो कमेंट करेंगे, एग्जाम में इतना डिटेल की जरूरत नहीं होती है। 27 3 27 5 45, 3/5 को अगर डेसिमल में अगर आप लिखेंगे बाबू तो 0.6 आएगा, कितना आएगा 0.6, और घटाएंगे तो 24 कितना आ जाएगा बाबू 4 आ जाएगा। तो 24.4 इधर करेक्ट आंसर, देखो बगल में भी दे रहा था 24.6 भी, मतलब चाकू चला रहा है जी, है ना। तो अगर आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं है, है ना, तो यू विल बी इन डिफिकल्ट सिचुएशन, है ना। तो आप ध्यान रखें कि आपको कंसेप्ट पूरा जानना होगा, समझना होगा चीज़ों को, है ना। अब बालक चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, और या अगला पेज में, है ना। और क्वेश्चन को जैसा आपको पता है कि मैं बड़ा कर देता हूँ, है ना, ये कला मेरे पास है बड़ा करने की, है ना, कला नहीं व्यवस्था है, ठीक है। तो ये क्लियर दिखेगा आपको, है ना, आई होप क्लियर दिखेगा। इट विल टेक 2 or 3 सेकेंड टू रिफ्रेश इट। हाँ चलिए, कह रहा है कि यदि एक्स स्क्वायर के पावर 4 इंटू एक्स के पावर 4 बराबर एक्स के पावर 4 इंटू एक्स के पावर 8 बराबर एक्स टू द पावर m है, तो m का मान क्या है। तो सबसे पहले बाबू ऐसे क्वेश्चन को देख के आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं होता, आपको ध्यान देना है बस। देखिए ये a के पावर m के पावर n हो तो ये मल्टीप्लाई होता है, ये पता है, तो 4 × 2 = 8 हो गया, है ना। एक्स के पावर ये कितना हो गया 8, और इंटू एक्स के पावर 4 है तो आपको पता है कि बेस सेम है और इंटू में रहे तो जुड़ जाता है, है ना। तो 4 × 8 + 4 कितना हो गया x के पावर 12, या आप इसको एक बार मैं ऐसे भी लिख देता हूं, x के पावर 8 इंटू x के पावर 4 बटे x के पावर 8 इंटू x के पावर 4, है ना, बराबर क्या है बाबू x के पावर m है। तो आप देखेंगे कि ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, और एक बचा है, क्या बचा है बाबू इधर एक बचा, तो x के पावर m है और एक बचा है, एक को हम लोग x के पावर 0 लिख सकते हैं ना, किसी चीज़ का पावर 0 1 ही होता बालक। तो अगर बेस अगर हमने सेम कर दिया बालक तो पावर भी क्या होगा सेम होगा, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आप लोग को आ गया होगा, है ना। और अगला क्वेश्चन चलते हैं 85, कह रहा है 2.53 का पावर क्यूब है और 2.47 के पावर क्यूब है, है ना, ठीक है बाबू, है ना, दोनों में क्या है बाबू क्यूब क्यूब है ना। तो और नीचे में बाबू उसी जैसा नंबर है उसका स्क्वायर है, और इधर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना। लेकिन एक चीज़ इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पर 2.53 है बालक, यहाँ 25.3 है, है ना। तो अगर मैं क्वेश्चन में ही अगर आपको लिखूं तो आपको ज़्यादा फायदा होगा बालक, है ना। और मैं चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझा दूँ इसमें, तो आप ध्यान से देखेंगे, है ना। देखिए ये बात तो कन्फर्म है, चीज़ों को समझ लीजिएगा, है ना, कि अगर ऊपर में ए क्यू प्लस बी क्यू रहे और नीचे में रहे बाबू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसका जो वैल्यू होता है ए प्लस बी होता है। कैसे होता है ये आप लोगों को पता होगा कि इसका सेम फार्मूला ऊपर होता है इनटू ए प्लस बी होता है ना। तो यानी कि अगर हम इस तरीके से चीज़ों को सेट कर दें तो ए प्लस बी आने की संभावना है, संभावना क्या होगा ही? तो अगर हम बालक इसको 10 से डिवाइड कर दें, इसको किससे डिवाइड कर दें 10 से, और इसको भी 10 से डिवाइड कर दें, है ना, तो क्या कर दें 10 से डिवाइड, और इधर भी 10 से डिवाइड कर दें, इधर भी 10 से डिवाइड कर दें, यानी कि एक्चुअली में ये 100 से डिवाइड हो रहा है, 10 × 10 कितना 100। अच्छा बालक इसके बारे में 25.3 × 24.7 ये है कि नहीं, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जामिनर की इतनी औकात नहीं है ना कि वो ये अलग वैल्यू दे दे और आपसे कैलकुलेट करवा ले ये सब पूरा। तो ये डेफिनेटली आपको मान के ही चलना है कि गुरु जी इसका ये मल्टीप्लीकेशन है ना, कन्फर्म। ऐसे चेक करोगे तो यूनिट डिजिट से चेक करते हो, साथ ही है क्या इस लास्ट में एक है कि नहीं, तो ये भी आपका 100 से ही डिवाइड है बाबू, ये भी किससे डिवाइड है 100 से। यानी कि अगर इस टर्म में 100 से डिवाइड कर देते हैं सारे टर्म में, तो ये फॉर्मूला पे ये सेट हो जाता है और फाइनली हमारा वैल्यू जो आएगा बाबू ध्यान से देखना, फाइनली जो वैल्यू आएगा ए प्लस बी आएगा और ये 100 जो है ऊपर चल जाएगा, है ना, रिवर्स में चल जाएगा। तो हम बोलेंगे गुरु जी इन दोनों का एडिशन ही ना होगा केवल, हम बोलेंगे कि सर ये दोनों का एडिशन जो 5 होगा, कितना होगा 5, 53 47, है ना, 100 होता है मतलब दशमलव के बाद है तो उसका मान 1 होगा और 2 × 2 = 4 = 5, है ना। तो आप बोल सकते हैं गुरु जी 5 × नीचे में कितना है 100, कितना बाबू 100, नीचे वाला ऊपर चला गया मल्टीप्लाई होके, ठीक है, बराबर क्या लिखा गया है 5 × 10^k है बाबू। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर 10 को अगर आप सोचें तो 10^-2 जाए,
10 के पावर कितना हो जाएगा बाबू, 10 दूनी 100, 10 के पावर ये कितना हो जाएगा -200, ठीक है। 10 के पावर 2, ठीक, 10 के पावर क्या हो जाएगा, 10 के पावर 2 हो जाएगा ना, बराबर 5 इंटू 10 के पावर क्या है, के। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 5 5 कैंसिल हो गया और के बराबर अगर आप देखें तो 10 10 मैच कराएं तो के की वैल्यू क्या है, 2 है, और आंसर -2 में दे रहा होगा ना। तो इट विल बी 10 10 का 100, 10 10 का 100, ओके है ना। थोड़ा सा बाबू ऐसा है इसमें कि हमें तो लग रहा है कि +2 ही आंसर होगा, -2 दे रहा है ना, यू विल चेक इट है ना, इसमें गलत भी बहुत सारा होता है ना। तो हमें तो पूर्ण विश्वास है कि ये वैल्यू 100 मतलब 2 ही होगा, लेकिन आंसर -2 दे रहा है ना, तो आप चेक कर लेंगे है ना, क्योंकि हमें इसमें कुछ ना कुछ कभी कभी त्रुटि दिखते रहता है। तो जो मूल भाव था मैंने बता दिया बालक है ना। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन है ना, तब तक मैं मिटा देता हूँ, अगर कुछ गलत हो जाए तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग है ना, क्रम योग और अंतर क्रमशः 592 और 518 है, दोनों संख्याओं का योग 296 296 है, तो संख्याएं क्या होगी है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें बालक तो हम ऐसा बोलेंगे, अच्छा बाबू पिछले क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं लुक बैक करता हूँ बालक है ना, सुधारने की कोशिश करता हूँ। देखिए बाबू है ना, पिछली क्वेश्चन में गलती क्या हो रहा था, आंसर वुड भी -2 ही है ना, फ्लो फ्लो में करवा दिया। देखिए क्या है ना कि हम लोग को 25.3 को 2.53 अगर हम लोग को बनाना है ना, तो देखिए अगर आप 10 से भाग दे देंगे तो ये 253 बन जाएगा ना, सारा अप्लाई सेम है ना, बस थोड़ा चीज़ों को समझ लीजिए। अगर आप 10 से भाग देंगे तो ये 253 बनेगा, क्या बनेगा, 253 बनेगा, लेकिन 253 हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए क्या, 2.53, क्या चाहिए, 2.53 चाहिए। तो 2.53 के लिए अगर इसको भी अगर इस तरीके से आप बनाएं, इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं अगर कि गुरु जी हम ऐसा करते हैं कि या तो दोनों जगह 253 देखें, क्वेश्चन अभी गायब हो गया है ना, लिख देता हूँ बालक पिछला क्वेश्चन में 10^-2 इज द करेक्ट आंसर है ना। देखिए 2.53 अगर ऊपर में है टर्म है ना, ठीक है, और नीचे में बालक ये था 25.3 था, बात को समझिएगा चीज़ों को है ना, और सब टर्म में तो सेम ही है ना। तो अगर हमको ये 2.53 बनाना है, 2.53 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, तो 10 से अगर हम भाग देते तो ये गलत प्रोसेस था, 10 से भाग देते तो 253 हो जाएगा बालक। तो हम क्या करेंगे, 10 से भाग देंगे ठीक है, और साथ में हम लोग 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, 100 से क्या करेंगे बाबू, गुना करेंगे, तो इससे क्या होगा, ये बन जाएगा 2.53। अब देख सकते हैं, या आप नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, आप ऐसे कर दीजिए कि इसको भी 253 बना दीजिए, इसको भी क्या बना दीजिए, 253 है ना, 253 बना दीजिएगा तो इसमें 100 से भाग देना होगा है ना, इसमें किससे भाग देना होगा, 100 से, ठीक है, और 100 से जब भाग देना होगा तो आप देखेंगे कि 253 कट जाएगा ए प्लस बी के फॉर्म में, और ये बन जाएगा आपका क्या, ये बन गया आपका 100 और ये बन जाएगा कितना, 10 है ना, 10 2 2 बार था, 10 2 2 बार, यानी कि 10 2 का कितना हो गया, 100, और ये 100 के पावर कितना था बाबू, 3 था, 1/3 में, ये 1y, तो 1/100 के पावर 3 है और ये 100 है बालक, और ये जब काटेंगे है ना तो ये 100 के पावर 2 बचेगा, और ऊपर जाके बाबू बच जाएगा क्या, ये हो जाएगा 10^-2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10^-2 हो जाएगा। तो इस तरीके से बालक 10^-2 था, मैंने बस एक में बताया, डेसिमल के लिए बताया, 10^2 गलत आंसर था है ना, क्योंकि बाद में मुझे रियलाइज हुआ और आंसर क्या हो जाएगा, 10^-2 मतलब m बराबर कितना हो जाएगा, -2। तो एक क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम गया आपका है ना, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्वेश्चन भी हट गया है ना, तो आप इस चीज़ को ध्यान देंगे, ये बहुत डिफिकल्ट वाला पार्ट होता है विद्यार्थियों के लिए है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं,
और 92 नंबर से स्टार्ट करते हैं बालक। चलिए चलिए 92 नंबर है ना। कह रहा राजू अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बड़ा रहे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा रिफ्रेश होने में टाइम लगा है ना। हाँ, राजू अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है, 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 वर्ष बाद बाबू है ना उनके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी किसकी, राजू का, राजू और राजू सन है ना। राजू सन का अगर 1 है तो एज हो जाएगा 3 गुना है ना, कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। और 20 वर्ष बड़ा है राजू अपने पुत्र से, तो देखो 20 वर्ष अगर पिता बड़ा है पुत्र से तो जिंदगी भर 20 वर्ष बड़ा होगा, ऐसा नहीं है कि बीच में कभी बराबर होने का मौका मिलेगा है ना। ये सब ख्याली बातें हैं जो बेकार की बात, यानी कि जिंदगी भर वो 20 वर्ष बड़ा रहेगा, दोनों के बीच में अंतर 20 वर्ष बड़ा रहेगा, तो 2 यूनिट की जो वैल्यू है बाबू 20 वर्ष होगा है ना। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 10 वर्ष। तो राजू की अगर उम्र की बात किया जाए तो 10 या 30 वर्ष है, कब, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। अगर हम वर्तमान में अगर आना है तो 3 साल कम करेंगे तो राजू 27 साल का हो जाएगा है ना। लेकिन 7 वर्ष पहले राजू की उम्र कितनी थी, तो 7 वर्ष और घटा देंगे अगर तो 20 साल हो जाएगा। तो 20 ईयर इज द करेक्ट आंसर है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। रामू 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो बाजार 5 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो दूरी ज्ञात करें। तो देखिए बालक, इस क्वेश्चन को बनाने का अगेन 2-3 तरीका है, लेकिन आपके लिए जो सबसे बढ़िया रहेगा है ना कि देखिए ये 2 समय के अंतर की बात किया गया है, 5 मिनट पहले और 5 मिनट देर। तो एक फॉर्मेट आपको याद रखना है जो बहुत सारे क्वेश्चन में काम देगा है ना, कि 2 अगर स्पीड दिया गया है तो दोनों स्पीड का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाई डिफरेंस ऑफ स्पीड, मतलब चाल का अंतर, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर, इंटू समय का अंतर, इंटू क्या बाबू, समय का अंतर, T1 माइनस T2। तो 2 स्पीड क्या क्या दिया गया है, 10 किलोमीटर पर आवर और कितना है बाबू, 12 किलोमीटर पर आवर। तो 10 इंटू 12 बटे 12 माइनस 10 करेंगे तो 2 है ना। अच्छा, समय में अंतर अगर आप देखेंगे तो 5 मिनट देरी से लेकर 5 मिनट पहले का जो गैप होगा है ना, जैसे अगर 9 बजे स्कूल पहुंचने का टाइम माने तो 5 मिनट देरी से पहुंचा, 9:05 में पहुंचा, पहले पहुंचा 5 मिनट मतलब 8:55 में पहुंचा, और 8:55 से लेकर 9:55 के बीच के गैप को 10 मिनट बोलेंगे, कितना बोलेंगे, 10 मिनट, यानी टाइम का गैप कितना है, 10 मिनट। इसको घंटा में चेंज करेंगे तो 10/60, तो 10 × 60 हो गया बालक, 6 × 2 = 12 है ना, 2 कैंसिल, यानी डिस्टेंस व्हाट विल बी 10 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना आ जाएगा बाबू, 10 किलोमीटर। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा है ना। अगला क्वेश्चन, सरकार ने पेट्रोल का मूल्य 5% से बढ़ाया और पुनः 5% से बढ़ाया, 2 बार बढ़ाया, मूल्य में इन दोनों क्रमिक बढ़ोतरी के बराबर प्रभावी प्रभाव लाने के लिए उसके मूल्य में एक ही बार में कितने परसेंट बढ़ाना होगा, मतलब ये दोनों का बालक प्रभावी दर पूछा जा रहा है, इफेक्टिव। दो मूल्य अगर क्रमिक रूप से बढ़ें तो सिंपली आप बोल सकते हैं, गुरु जी एक बार 5 बढ़ा, दूसरे बार 5 बढ़ा, प्लस 5 × 5 बटे क्या बाबू, 100 है ना, 5 × 5 = 100, तो 10.25%, 10 पॉइंट कितना, 25%। अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू, 95 है ना, 95, और फिर उसके बाद मैं चेक करूंगा कि जो मिट गया था, डिलीट हो गया था, उसमें कुछ क्वेश्चन बाकी था क्या, तो उसको मैं बाद में चेक करूंगा, फिलहाल में जो आगे जा रहा है उसको आगे लेकर चलते हैं फटाक फटाक, क्योंकि प्रैक्टिस सेट है बाबू, ज़्यादा बकवास नहीं कर सकते है ना, विद इन द टाइम ख़त्म करना अच्छी बात होती है, बहुत सारे सीरियस बच्चे भी देखेंगे है ना। कह रहा है कि 80 विद्यार्थियों के कक्षा में 60% कैरम खेलते हैं ना, तो जरूर देखने से लग रहा है ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, 60% लोग कैरम खेलते हैं, बहुत बढ़िया, 45% शतरंज खेलते हैं, 45% क्या खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं, ठीक है, 10% ना कैरम खेलते हैं ना शतरंज, मतलब बिना खेल का है। तो अगर एक बॉक्स बना लिया जाए तो ये पूरा दोनों खेल मिलाकर 100% होगा, और 10% कुछ नहीं खेलने वाले हैं, मतलब इन दोनों के आउटसाइडर 10% है ना, ये पूरा क्या है, ये दोनों मिलकर भी 100% होगा, मतलब ये बोल सकते हैं कि ये दोनों वैल्यू मिलाकर जो खेलने वाले हैं बाबू ये 90% है, ये कितने खेलने वाले हैं, 90%, आप ऐसा बोल सकते हैं, जिसमें 60% कैरम था है ना, 60% ये बाबू क्या है, कैरम, और 45% आपका क्या था, शतरंज,
45% क्या है, शतरंज खेलने वाले, ठीक है। और फिर बोला 10% तो ठीक है कर ही दिए। बाबू अगर हम ये पता कर लें, ये पता करने से पहले पूछ के आ रहा है, ये देख लेते हैं केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है। केवल शतरंज में ये वाला पार्ट, केवल शतरंज में बाबू ये वाला पार्ट, मतलब 45% से कम, 45% से कम। तो बालक ये पूरा 60%, ये पूरा 45%, है ना। अगर बात करें तो ये वैल्यू कितना होगा, बीच वाला वैल्यू, ये वैल्यू हमें पता करना है। ये वैल्यू पता हो जाएगा अगर हमें, तो हम नहीं ये कर लेंगे कि गुरुजी अगर ये पता हो जाएगा तो पूरा 45 में से इसको घटा देंगे। अब बोलेंगे यस, तो बोल लेंगे कि गुरुजी इसको एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं एक्स। तो हम बोल देंगे गुरुजी 60 ये वाला वैल्यू का अगर सोचा जाए तो ये 60-x हो जाएगा, क्योंकि आपने बीच में एक्स माना है, है ना। और बीच वाला को ले लेते हैं एक्स, है ना, एक्स ले लिए, प्लस ये वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, 45-x हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 45-x हो जाएगा। और तीनों के बराबर जोड़कर कितना खेलने वाले हैं, 90%। कितना बाबू, 90%। एक से एक्स कैंसिल ही हो जाएगा, 60-45-105 है बाबू, तो एक्स का वैल्यू 15 हो जाएगा। कितना 15% हो जाएगा, 15%। यानी कि दोनों खेलने वाले 15% हैं, दोनों खेलने वाले कितने बाबू, 15% है। और पूरा ये कितना था, 45%। तो ये 45-x कितना हो जाएगा, 30%। तो केवल शतरंज कितने लोग खेलते हैं, 30%। तो 80 का 30% निकालेंगे तो 8 3 24, 80 का 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 24। तो केवल शतरंज खेलने वाले कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। आई होप आपको इन चीज़ें समझ में आएगा, ज़्यादा डिटेल में बता दिया है ना। अगर हम इसको एक्स नहीं भी मानते और एक बार जोड़ कर देखते कि ये कितना एक्स्ट्रा है ना, उससे भी निकल जाता। लेकिन मैंने ये बताया कि हो सकता है महीना दो महीना बाद BSSC का एग्ज़ाम हो, तो बहुत सारे ग्रामीण बच्चे भी देखेंगे, है ना। तो इसके लिए मैंने डिटेल में बता दिया। तो आई होप मेरी भावना को आप समझेंगे, कदर करेंगे, है ना। चलिए कह रहा है एक परिमेय संख्या का, अच्छा ठीक है, इसका याद आ गया बालक। ये परिमेय संख्या वाला में ये जो होगा, है ना, ये 5/6 होगा, है ना, एडिटोरिया में गलत प्रिंट हो गया था, है ना। सॉल्यूशन बिल्कुल अलग रहेगा, लेकिन मैंने सॉल्यूशन इसका देखा था, आंसर नहीं आ रहा था, तो है ना, तो इसको चेंज करना था, 5/6 करना था। बोला कि एक परिमेय संख्या का हर, है ना, हर डिनोमिनेटर अंश से 10 अधिक, अगर अंश एक्स है बाबू तो हर जो है x प्लस 10 है, पहला बात ये बोला, ठीक है। बोला कि यदि अंश को 4 बढ़ा दिया जाए, 4 बढ़ा देंगे अंश को, ठीक है, और हर को 3 कम कर दिया जाए तो परिणामी 5/6 होता है। तो इसको बढ़ाना है बाबू 4, और इसको कम करना है कितना, 3, तो रिजल्टेंट हो जाएगा कितना, 5/6, सुधार करके लिख दिया, है ना। अगर आप बात करें तो ऊपर में वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो 6x+24 बराबर, है ना। अगर बात करें तो ये हो जाएगा वैल्यू 7, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x प्लस कितना, 7 × 5 = 35, ठीक है। ये जब इधर आएगा बालक तो ये x बन जाएगा, और ये जब इधर जाएगा तो 35 - 24 = 11 हो जाएगा। यानी अंश का वैल्यू है बाबू कितना, 11, x माने थे, है ना। और हर कितना है, रेड कलम वाला दिखेगा, ओरिजिनल था उसको रेड कलम में ही दिखाएं, तो x प्लस 10 मतलब 11 + 10 कितना बाबू, 21, कितना हो गया, 21, तो 11/21। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा, है ना। देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, है ना, दोस्तों के बीच में बांट सकते हैं, ये तो खुशी है, है ना। 97 नंबर, 97। यदि किसी, सॉरी, दो वृत्तों का व्यास का योग, है ना, 35 मीटर है तथा उनकी परिधियों का अंतर 22 मीटर है, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। देखिए, जब भी ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन मिले, है ना, तो पहली नज़र में तो ये देखना है कि जब वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया अगर आपसे, है ना, वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया तो 7 से जो डिवाइड होने वाला है वो आंसर होने की ज़्यादा क्वालिटी है, क्योंकि पॉइंट वगैरह में नहीं है, तो ये दोनों तो आंसर नहीं होगा, 7 से ये कट रहा, नहीं कट रहा, है ना। आंसर या तो ये होगा 154 होगा, या तो 308 होगा, 22 × 154, है ना, और ये भी, तो दोनों आंसर हो सकता है। अगर हम बात करें तो 35 मीटर व्यास का योग है, यानी कि व्यास होता है 2 × रेडियस, 2 × त्रिज्या, तो दोनों का योगफल है, तो 2r1 + 2r2, यानी कॉमन लेके 2r1 + r2 बराबर कितना बोल सकते हैं बाबू, 35।
तो आर वन प्लस आर टू कितना हो जाएगा, 17.5। कितना हो जाएगा बाबू, 17.5। पहला बात, पहला लाइन का मतलब ये हुआ। अब फिर बोला गया उनकी परिधियों का अंतर 22 मीटर है। परिधि होता है बाबू 2πr। तो अगर हम बात करें 2π और अंतर ले लें तो R1 माइनस R2, तो डायरेक्टली इसको लिखा जा सकता है बाबू। और वो कितना दे दिया, 22 दे दिया। कितना दे दिया, 22। अगेन हम पाई को बाबू यहीं से रिप्लेस करते हैं, दिस इज नथिंग बट 22/7। तो 22 से 22 कैंसिल हो गया और R1 माइनस R2 लिखेंगे तो उल्टा होके हो जाएगा 7/2, और 7/2 कितना होता है, 3.5। कितना होता है बाबू, 3.5, है ना। तो देखिए क्लियरली है ना, अगर हम बात करें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बाबू, है ना। तो R1 की वैल्यू अगर निकालें या R2 की निकालें, आपकी मर्जी। ऐसे हमारे अकॉर्डिंग R2 छोटा है, है ना, क्योंकि R1 जो वैल्यू है बाबू, बड़ा बड़ा माइनस छोटा हम लोगों ने किया है ना। तो R2 निकालेंगे तो आपसे पूछा क्या गया है ना, आपसे पूछा गया छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो R2 छोटा आपने लिया है, तो माइनस करके R1 को कैंसिल कर दीजिए। तो आप देखेंगे गुरु जी, R1 कैंसिल हो गया और R2 2R2 बराबर माइनस जब करेंगे हम लोग, है ना, तो 17.5 में से 3.5 जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 14 और R2 की वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, 7 हो जाएगा। यानी रेडियस जो है छोटे वृत्त का 7 है, है ना। बड़ा वृत्त निकालना होता तो 17.5 माइनस 7 करते, लेकिन हमको इसी से काम चल जाएगा। और पाई आर स्क्वायर जब करते हैं तो 22/7 × 7 का स्क्वायर 49, तो 22×7=54 हो जाएगा बाबू। कितना हो जाएगा, 154। तो बी आंसर हो गया, है ना। और आप देख सकते हैं, 2-4 सेकंड तो ज़रूर दे देंगे स्क्रीन शॉट लेने के लिए आपको, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बाबू, आगे चलते हैं, है ना। कह रहा है यदि एक त्रिभुजाकार खेत के कोनों का अनुपात, है ना, एक त्रिभुजाकार खेत के कोनों का अनुपात, ये वर्ड ध्यान देना, भुजा का अनुपात रहता तो अलग हो जाता, कोण का अनुपात, है ना, 5:3:2 है, है ना, 5:3:2 है। तो त्रिभुजाकार खेत का आकार कैसा होगा, समद्विबाहु होगा, न्यून कोण होगा, है ना, समकोण होगा, अधिक कोण होगा, ऐसा है ना। समद्विबाहु वगैरह तो ये सब चीज़ नहीं सोचना है बालक, है ना, क्योंकि कोण के आधार पर बात कर रहा है, तो यही तीनों ऑप्शंस में से होगा, है ना। तो कोण अनुपात, तो अनुपातों के बीच की राशि एक समान भी सकते हैं, नहीं तो यूनिट ही मान सकते हैं। आप देख सकते हैं कोण टोटल 5, 3, 8, 2, 10 यूनिट है। कितना यूनिट है बालक, 10 यूनिट। 10 यूनिट बराबर कितना, 180, है ना। तो एक यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी वो 18 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 18। तो 18×5=90, एक एंगल 90 आ गया बाबू, है ना। 18×3=54, है ना, और 18×2=36, यानी कि एक एंगल जैसे ही 90 आई है, समकोण हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा बाबू, समकोण हो गया। अगर त्रिभुजाकार खेत के भुजाओं का अनुपात रहता बालक, तब कहानी अलग होती है ना। उसके लिए एक्सपेक्ट करेंगे कि आगे के सेट में टोरिया वाला ने दिया होगा, नहीं दिया देगा तो लास्ट में करवाएंगे वो सब चीज़ें भी, कि क्या क्या मिसिंग रह गया, क्या क्या कमी रह गया इन लोगों का सेट में, है ना। तो फिलहाल में चलते हैं आगे, ठीक है बाबू। 99 नंबर क्वेश्चन को अगर आप पढ़ें, है ना, जब तक मैं मिटा लूं, तो 99 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 60 रुपये प्रति लीटर का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 52 रुपये प्रति लीटर के मिश्रण और 65 रुपये के प्रति लीटर मिश्रण के मूल्य के दो प्रकार के द्रवों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। ये जो दिया गया बाबू, ओवरऑल एवरेज वैल्यू दिया गया है, और ये दो टाइप के मिश्रण है। पढ़ने के बाद यही फील हो रहा होगा, मिलाना है किसको, 52 रुपया पर लीटर, है ना, और 65 रुपया पर लीटर। प्राप्त करना है कितना एवरेज में आपको, 60 रुपये पर लीटर। तो एलिगेशन लगाते हैं बाबू, एलिगेशन में कुछ नहीं करना होता, बड़ा माइनस छोटा। तो 60 में से 52 जाएगा तो 8, और 65 में से 60 जाएगा तो 5। आंसर हो जाएगा बाबू 5:8, है ना। चलते हैं 100वां नंबर क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं क्या नहीं। 100वां नंबर क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन बचा था तो मैंने नहीं लिया, और मैं चेक करता हूँ कि उधर कुछ क्वेश्चन छूट गया था क्या, है ना। सो आई एम गोइंग टू, देख लेते हैं बालक। ओके क्योंकि जो हम लोग से ये हुआ था बालक, उस समय हुआ था जिस समय वो पॉइंट वाला आया था, हाँ। तो इसमें 3 क्वेश्चन छूट गया बाबू, इसको मैं थोड़ा सा करवा देता हूँ, है ना। 85 नंबर से लेकर 85 का तो मैंने बता दिया था, है ना, 86 भी हो गया था,
नहीं 86 होने वाला है ना। ये तीन क्वेश्चन है छोटा छोटा, जल्दी से देख लेते हैं ना, रिफ्रेश हो जाएगा है ना। ठीक, क्वेश्चन आई थिंक आपको दिख रहा होगा, अब दिखेगा। हाँ अब दिखे, वो रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग और अंतर क्रमशः 592 और 518 है। तो एलसीएम को अगर एल से डिनोट किया जाए और एचसीएफ को एच से डिनोट किया जाए है ना, तो एक ये है और एक एलसीएम माइनस एच, एक योग है वाला एक अंतर है। तो ये योग है 592, अंतर है 518, इन दोनों को जोड़ें अगर है ना, तो 12 की जो वैल्यू आ जाएगी है ना, 8 2 10, 5 9 10 एक 11, 5 5 10 एक 11, एल की जो वैल्यू आ जाएगी वाला काटेंगे तो 555 आएगा, क्योंकि 550 × 2 1100 और 5 2 10, एल की वैल्यू वाला कितना आ गई 555। एच की वैल्यू अगर इसमें रखेंगे है ना, तो क्या करना पड़ेगा, 555 को 592 से घटाना पड़ेगा है ना। तो जब घटाएंगे तो 592 माइनस 55, 55 सात 62 30 37, कितना हो जाएगा बालक 37 हो जाएगा। यानी कि जो एच सी एफ होगा 37 होगा और एल सी एम हो जाएगा 555। अब जो दे रहा है दोनों संख्याओं का योग दे रहा बालक, क्या दे रहा है दोनों संख्याओं का योग। तो संख्या तो पता है नहीं, लेकिन संख्याओं को हम मान सकते हैं 37x और 37y के फॉर्म में है ना, क्योंकि जो भी संख्या होता है एच सी एफ के मल्टीपल में होता है। तो x प्लस वाई, 37x प्लस 37y कितना 296, 37 अगर कॉमन लेकर बाबू काटेंगे तो 37 × 8 = 296, यानी कि x और y जो आप को प्राइम नंबर माने हैं उसकी वैल्यू कितनी है 8। अब x और y का क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है ना, को प्राइम नंबर है x और y जिसका एच सी एफ 1 ही हो है ना। तो बाबू या तो 1 7 ले सकते हैं है ना, या तो 3 5 ले सकते हैं, और 2 6 नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसका एच सी एफ 1 नहीं है। तो इन दोनों से रिलेटेड, एक्स वाई से रिलेटेड अगर हम नंबर माने तो एक 37x है और एक 37y। एक्स और वाई अगर हम 1 7 माने तो एक नंबर 37, तो 37 नंबर वाला कोई है नहीं, यानी कि ये पेयर से रिलेटेड ऑप्शन नहीं दिया गया। इससे अगर बात करें तो 37x की जगह 3 रखेंगे तो 37 × 3 = 111 और 37 × 5 = 185। तो 111 और 185 है ना, जो SSC CGL वगैरह में क्वेश्चन आया था उसको उठाकर दे दिया गया है, जो बहुत सुंदर है ना। 111 और 185 होगा बालक, इसको ध्यान से स्लो मोड में करके भी आप देख सकते हैं, अगर हम मेरा सॉल्यूशन फास्ट लगा होगा तो। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू, और आपको देख सकते हैं क्वेश्चन है ना का आंसर। 87 नंबर आप पढ़िए है ना, 87 नंबर ये क्वेश्चन बोल रहा है, कि किसी मूलधन पर 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 5 रुपया है ना। तो मूलधन ज्ञात करें, देखिए अगेन इसको लोग फॉर्मूला से ही बना सकते हैं, लेकिन बिना फॉर्मूला के ऐसे बना सकते हैं, गुरुजी कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, मतलब 10.25%, 5 + 5 + 5 × 5/100। लेकिन उसमें जो CI माइनस SI जो होगा, आप बोल सकते हैं गुरुजी CI माइनस SI केवल एक्स वाई वाई 100 होता है, तो इन मतलब क्या 0.25% हो जाएगा, 5 × 5/100 कितना 0.25%। तो कोई भी प्रिंसिपल पे 0.25% लगेगा है ना, वो कितने के बराबर दे रहा है क्वेश्चन में, 5 के बराबर दे रहा है। और 100 से भाग देंगे डेसिमल के लिए, 2 डेसिमल के लिए, और 100 से भाग देंगे प्रतिशत के लिए, आप देखेंगे तो 5 5 25 हो जाएगा गुरु जी, और 5 20 100 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पी बराबर कितना 2000। मैं ये कह रहा हूँ बालक कि आपके लिए फॉर्मूला भी होता है PR² / 100, लेकिन मैं इस तरीके से बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो अपलोड किए हूँ है ना, जो आपके एग्जाम के लिए मोर देन एनफ है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं है ना, जो लास्ट क्वेश्चन है संभवतः है ना। चलिए क्वेश्चन ये है बाबू, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:2 है और क्षेत्रफल 540 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप क्या होगा। देखिए अगर लंबाई 7 है और चौड़ाई x है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 7x × 2x बाबू है ना, तो ये क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 540 है ना। अगर हम काटते हैं तो क्या कटेगा, तो 2 से काटेंगे बाबू, तो 27 × 2 = 40 270 है ना। तो x² = 270/7, 7 से कटने वाला है नहीं, तो हो सकता है कुछ मिस प्रिंट होगा, इसको देखते हैं क्या वहाँ पे होगा जिससे आंसर आएगा है ना। तो सच्चा का बाबू हो जाएगा 28, नहीं 7 21 और 6 बचा
और ये, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें 6, 7 नंबर स्टेशन, क्योंकि एक्स की वैल्यू आपका इंटीजर आना चाहिए है ना, और इंटीजर आना चाहिए तो हम लोग को अगर क्या रखें है ना, दिस इज द चैलेंज। तो बाबू हमें जैसा लग रहा है कि एग्जामिनर जो सेट किया होगा 36 के अकॉर्डिंग में, स्प्रिंट भी होगा है ना, ये चेक कर लेंगे आप है ना। तो मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि ये 36 आने के लिए 36 × 14 क्या डेटा वहाँ पे रख दें कि आंसर मिला दें। तो 36 × 4 = 144 और 36 4 × 6 = 10 3 × 1 = 5 504 होना चाहिए था बालक है ना। मिसप्रिंट हो गया है एडिटोरिया वालों से, और ये मिसप्रिंट होते रहता है, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बालक है ना। तो मैं अगर इसको सुधार दूं थोड़ा देर के लिए है ना, 540 को अगर 504 कर दूं तो आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा, ये मेरा अनुभव कहता है। तो ये 504 होना चाहिए बालक, क्या होना चाहिए 504। तो अब देखेंगे कि आंसर क्या होना चाहिए, सॉरी क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, 504 होना चाहिए। तो हम बोलेंगे गुरु जी 7x × 2x बराबर, वो एक्चुअली में कितना दे रहा है, 504 दे रहा है ना, मेरी गलती नहीं है ना, ठीक। तो अब काटते हैं बालक, 7 × 7 = 49 7 × 2 = 14 दो से काटेंगे तो 36 × 2 = 72 है ना। तो एक्स स्क्वायर बराबर अगर 36 है बालक, तो एक्स बराबर 6 आएगा, क्या आएगा 6 आएगा। यानी कि अगर हम लंबाई की बात करें तो 7x था तो 7 × 6 = 42 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 7x है तो 7 × 6 = 42, चौड़ाई बात करें तो 7 × 2 = 14। और आपका परिमाप पूछा है तो परिमाप बराबर 2 × लंबाई + चौड़ाई, तो 42 × 14 = 56 × 2 कितना 112, तो 112 सेंटीमीटर। तो आज के लिए इतना ही बालक है ना, और हम लोगों ने बड़ा स्मूथली 25 क्वेश्चन में से 24 क्वेश्चन कर लिया है ना। और डेसिमल वाला में आप नहीं घबराइएगा, कमेंट कीजिएगा, डेसिमल वाला में अगर दिक्कत होगा तो मैं और इजी कर दूंगा उसको है ना। तब तक आपसे बस यही उम्मीद है कि आप लोगों ने चैनल तो सब्सक्राइब कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, सेशन को शेयर करते रहिए है ना, बिहार के गाँव तक कस्बों तक पहुँचाइए, जिससे मैक्सिमम बच्चा का फ़ायदा हो सके। प्रैक्टिस सेट तो ले लेता है ना, लेकिन उसको कंसेप्ट वगैरह नहीं समझ में आता है, तो मैं अलग तरीके से सोल्यूशन करवा रहा हूँ। तब तक ले, जय हिंद जय भारत।